हाय फ्रेंड, दिस इज धीरज और आप देख रहे हैं DsTechBox Tv। आज हम करने वाले हैं एलिफोन यू प्रो का अनबॉक्सिंग। फैबलेट्स दी गई हैं, जैसे कि इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो है वो 660 लगा हुआ है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.2 GHz का। इसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। मैं आपको बैक में 13+13 का डुअल कैमरा मिलता है, जैसे कि 1+5T में और iPhone 7 Plus में है। 99 इंच की है और इसका जो पिक्सल रेजोल्यूशन आपको मिलता है वो 2160x1080p का मिलता है, और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। बॉक्स कंटेंट क्या है, इसमें आपको मिलती है माइक्रो USB डाटा केबल और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगती है, और इस बॉक्स में आपको मिलता है यह एलिफोन का टिपिकल स्टाइल का चार्जर, नॉर्मल चार्जर है, कुछ खास नहीं होता इनका चार्जर। और इसमें मिलते हैं आपको एक सिलिकॉन कवर एंड एक सेमी इलेक्ट्रिक टूल, और इसमें मिलता है आपको एक यूज़र मैनुअल एलिफोन का। इसमें कुछ खास होगा तो नहीं, वैसे फिर भी देख लेते हैं एक बार, इसमें हमारे कुछ खास करनी है इसमें अपने साइड में। और यह है इसका एक प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर, ठीक है, काम चलाने के हिसाब से ठीक है। और साथ में मिलता है आपको इसके एक ये सिलिकॉन कवर, ये कुछ ठीक ठीक सा ही है, मतलब आपका काम चल जाएगा एक बारी में। और इसका ये सिलिकॉन कवर काफ़ी सॉफ्ट है और छोटी मोटी प्रोटेक्शन तो अभी कर ही देगा। चलो अब आते हैं फ़ोन पे। यह है इसका बैक और यह है इसका फ्रंट व्यू, और यह है इनकी ब्रांडिंग। पीछे उसके एकदम मिरर फिनिश मिलती है लाइक सैमसंग गैलेक्सी S9 में, जैसे आपने देखा होगा, और काफ़ी बिल्कुल मिलता जुलता है आपके S9 से, और पूरा फील आता है आपको एक ब्रांडेड फ़ोन का इसके साथ। नीचे की तरफ आपको मिलता है इसका स्पीकर एंड इसके एजेस बिल्कुल कर्व हैं एकदम, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ उसको हाथ में ले करके। मैंने एसेट भी यूज़ किया है और इसमें, और मुझे कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। वो फ़ोन 50 से 60 हज़ार रुपये का और ये सिर्फ 26-27 हज़ार रुपये का है। चलिए इसको बूट कर लेते हैं। ये एलिफोन का एनिमेशन देखिए, चाइनीज़ कंपनियों पर भी सारी कंपनियों की वॉट लगा रखी है, ऐसे ऐसे फ़ोन निकाल रही हैं कि क्या बात। इसकी क्वालिटी की तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अभी मुझे जो फील आ रहा है एक प्रीमियम फ़ोन का फील आ रहा है। नीचे की तरफ से इसका व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। ये इसके एजेस देखिए कितना, इसमें आपको BOE की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, और ये नीचे का इसका जो बेजल बिल्कुल एसेट के जैसा है, और इसका बैक में बिल्कुल मिरर फिनिश दिया गया। ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसमें 12+13 का मेगापिक्सल का कैमरा है। और चलिए इसे जल्दी से ज़रा सेटअप कर लेते हैं, फिर मैं इसको आगे दिखाता हूँ। ये हमने सेटअप कर लिया, देखिए इसका कंट्रास्ट रेशियो देखिए कितना सुंदर है। अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे गेयर बेस्ड और AliExpress से ख़रीद सकते हैं। कुछ शायद आपको उसके लिए कस्टम ड्यूटी देनी पड़े, वैसे अगर आप इसका प्राइस अगर सेलर से बोल के इसका कम डलवा देंगे तो शायद आपको कस्टम ड्यूटी नहीं भी लगेगी। तो बाकी अलग स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। मैंने मंगवाया तो शायद मुझे सिर्फ 1200 रुपये कस्टम ड्यूटी लगी थी इसकी। और चलिए आइए देखते हैं फ़ोन के अंदर और क्या क्या मिलता है हमें। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 मिलता है और 4 GB और 64 GB इंटरनल मेमोरी है इसके अंदर। एंड्रॉयड ओरियो के साथ ये आता है, और
काफ़ी फास्ट फ़ोन है ये, इसकी प्रोसेसिंग मुझे बहुत फास्ट लगी। मैंने सैमसंग के बहुत से फ़ोन यूज़ किए हैं बट ये मुझे उससे कहीं ज़्यादा फास्ट लगा, क्योंकि सैमसंग 425 या अपने एक्जिनोस प्रोसेसर यूज़ करता है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर मिल रहा है और इसमें मल्टी टच 10 पॉइंट्स भी है और 3550 एमएएच की इसमें बैटरी मिलती है आपको। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है और डुअल स्टैंड बाय इसके अंदर आपको मिलता है, अलग से सिम कार्ड का भी स्लोट है इसमें और 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है। इसका जो बेजल है मुझे ये सीरियसली मैं बता नहीं सकता आपको, अगर ये आप हाथ में लोगे तो आपको सैमसंग लग, इसमें एक बस कस्टम UI अगर आप डाल लेते हैं सैमसंग का, ये लॉन्चर अगर कोई यूज़ कर लेते हैं तो आपको कोई कह नहीं सकता कि ये सैमसंग गैलेक्सी S9 या फिर S8 नहीं है। और डुअल कैमरा होने के बाद आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस इसको आप आसानी से बोल सकते हैं, आज MWC में लॉन्च हो गया ये और आप इसको सैमसंग गैलेक्सी S का इसमें UI डाल करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको इनका खुद का एक OS मिलता है, शायद फन टच के नाम से इनका OS है और काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव टच है इसका। और इसमें आपको 3 टाइप से नीचे नेविगेशन का ऑप्शन भी मिलता है, आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने इसके कैमरे से कुछ सैम्पल्स फ़ोटोज़ ली थी, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसकी गैलरी में। और इसके कुछ सैम्पल्स हैं बैक कैमरे के, काफ़ी अच्छी क्लियर फ़ोटोज़ खींच रहा है, 13:13 रेजोल्यूशन पे फोटो समझ सकते हैं कैसे आएगी। मैं कुछ और सैंपल दिखाता हूँ, ये देखिए और क्या बताऊँ बाकी इस फोन के बारे में। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके, काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, ये देखिए। सिंगल क्लिक जैसे एक ब्रांडेड फ़ोन में यूज़ करते हैं वैसे ही, मैंने खुद पर्सनली इसको काफ़ी दिन चलाया है, देन मैं इसके रिव्यू कर रहा हूँ भी बस। इसमें आपको फेस अनलॉक और काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स, इमोजीज वगैरह के ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको इसके अंदर। मेरे हिसाब से तो एक बेस्ट डील है, एक आप अगर कम बजट में एक अच्छा प्रीमियम और एक बेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं जो कि 18.9 रेशो के साथ में एच स्क्रीन के साथ मिल रहा है आपको, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट चॉइस है। वारंटी का थोड़ा इश्यू है क्योंकि अपने इंडिया में आपको उसका वारंटी तो मिलेगा नहीं, बाकी क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ़ोन ये, तो मेरे हिसाब से सजेशन मैं करूँगा कि आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं। बाकी मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है तो मैं आपको इसके किसी भी चीज़ के लिए इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता, इट्स योर चॉइस। अब मैं इसका आपको बेंच स्कोर दिखाता हूँ, गीक बेंच स्कोर पहले से किया हुआ है। इसका जो गीक बेंच स्कोर है वो आपको मिलता है सिंगल कोर में 1559 का, मल्टी कोर में 5197 का, जो कि एक अच्छा स्कोर है। चाइनीज़ फ़ोन में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकते हैं, पर इसमें स्नैपड्रैगन 660 मिलता है तो काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। और इसका जो टोटल वर्क परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो 5.23 का है। और इसके बारे में क्या बताऊँ, फ़ोन की तारीफ करते करते मैं कर नहीं रहा हूँ। चाइनीज़ कंपनी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे वो ऐसा कोई एच स्क्रीन फ़ोन मिला नहीं थी। चलिए अब इसके कैमरा सैंपल चेक करते हैं कुछ। ये इसका बैक कैमरा है, फोकस इसका 0.6 सेकेंड्स का है, काफ़ी अच्छा फोकस है कैमरे का। इसमें आपको वीडियो मोड और गैलरी मोड का ऑप्शन कॉर्नर में मिल जाता है, ये इसका गैलरी। और इसमें फोटो मोड्स के अंदर आपको ये सारे फीचर मिलते हैं, SDR और ये सब लैंडस्केप मोड, काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं आपको उसके अंदर। ये सन वाला है मोड आपको दिखा दूँ, इसमें कुछ आपको इफेक्ट भी मिल जाते हैं, जैसे ये है आपके नॉन CPR नेगेटिव, ये आपको कुछ आउटडोर सैंपल्स में आपको दिखाया था, ये नेगेटिव सैंपल्स हैं नेगेटिव मोड के अंदर। ये आउटसाइड का कुछ व्यू है,
देख सकते हैं। कैमरा बहुत अच्छा है इसका, मैं आपको बता नहीं सकता, कैमरा वाकई में इसका बहुत अच्छा है। किसी भी एंगल से आपको इसके एक चाइनीज़ फ़ोन की फील नहीं आती। इसमें आपको 4K का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये इसमें एक 4K का ऑप्शन ऊपर देखें, और सेटिंग्स में आपको इसका स्टोरेज वगैरह ये सारी चीज़ें फीचर्स मिल जाते हैं। आप इसको फ़ोन स्टोरेज से SD कार्ड स्टोरेज में मूव कर सकते हैं, ISO लेवल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके कुछ वीडियो सैंपल्स हैं, एक वीडियो में आपको दिखा दूँ, उसमें जूम करके थोड़ा सा ये इसका जूम होता है, और जूम करने के बाद भी बिल्कुल भी पिक्सलेटेड नहीं होती है, एकदम क्लियर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। ये कुछ चाइनीज़ में है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन क्लियर टेक्स्ट है, और देख सकते हैं इसको लंच के बाद। इसके कुछ वीडियो सैंपल्स हैं। फ़ोन आपको कुछ काफ़ी प्रीमियम फील देता है, और ये इसका मैंने कुछ फ्लावर्स की फ़ोटो ली थी, काफ़ी अच्छे कलर इसमें आए हैं, मतलब कुछ फोटो सैंपल्स हैं इसके, फोटो बिल्कुल भी पिक्सलेटेड नहीं हो रही है। सॉरी आज थोड़ा सा कुछ मेरे माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं इसके डायरेक्ट रिकॉर्डिंग अपने स्मार्टफोन से गाई, माँ भी चाहूँगा थोड़ी आवाज़ स्लो आने के लिए। मैंने इसका नाइट में शॉट्स लिया था, कुछ हम देख सकते हैं, एंड मैं आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के दिखा दूँ। 4K वीडियो से सपोर्ट करता है, इसका व्यूइंग एंगल वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है, 4K डिस्प्ले है, सॉरी 2K डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस है। इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है, लाउड एंड क्लियर, और ये आई थिंक डॉल्बी को भी सपोर्ट करता है। वीडियो सैंपल्स हैं यूट्यूब पर, इसको ज़्यादा देर प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट इशू के चक्कर में, तो मैं इसका साउंड्स आप देखिए, ये जिस ये आपको USB टाइप सी के साथ आता है, एंड काफ़ी मैं और क्या बताऊँ इस फ़ोन के बारे में, मेरे पास तो ख़त्म हो गया है शब्द। तो गाइस, अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है तो मैंने इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स टू वॉचिंग DsTechBox Tv India.